हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आप सभी का एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स की, जो कि हेड एंड नेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के ऊपर, जिसमें क्या क्या पूछते हैं उसके नाम पूछेंगे। जिसके अंदर एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स दो टाइप्स की होती है, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी, दोनों के नाम पूछ सकते हैं। उसके अलावा उसके अंदर ही उसका ओरिजिन, उनका इंसर्शन, हर एक मसल का ओरिजिन इंसर्शन पूछ सकते हैं। उसके अलावा उनकी नर्व सप्लाई पूछ सकते हैं, और मूवमेंट जो है मसल्स, जो ये एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स हैं, ये कौन कौन सी मूवमेंट करवाती है हमारी आई की, वो भी पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के अंदर। तो भाई सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। एक्स्ट्रा ओक्यूलर, ओक्यूलर क्या क्या मतलब हुआ यहाँ पे, आई बोल मतलब आई से रिलेटेड है। ऐसी मसल्स जो आई के अंदर नहीं है, आई के बाहर है, मतलब आई के अंदर होती तो उनको इंट्रा ओक्यूलर बोलते हैं ना। एक्स्ट्रा ओक्यूलर मतलब आई के बाहर वाली मसल्स को बोलते हैं, वो मसल्स जो ऑर्बिट में प्रेजेंट होती हैं और आई की मूवमेंट में हेल्प करती हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। और एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स हमारे पास होते हैं दो टाइप की, एक होती है हमारे पास वॉलंटरी मसल्स और एक होती है हमारे पास इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी का मतलब तो देखो बचपन से सुनते आ रहे हो, वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉलंटरी जो हम खुद कंट्रोल ना कर सकें वैसी मूवमेंट कराने वाली मसल्स को बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉलंटरी मसल्स की और उसके बाद जाएंगे इनवॉलंटरी मसल्स पे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं गारंटी देता हूँ एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, उनका ओरिजिन से लेकर उनके इंसर्शन तक, क्योंकि हम इसके डायग्राम्स भी देखेंगे कौन कौन से डायग्राम हमें बनाने हैं अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो, और जो डायग्राम हमें समझने में हेल्प करेंगे उन सारे डायग्राम्स की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वॉलंटरी मसल्स के साथ। वॉलंटरी मसल्स होती हैं टोटल 7, ठीक है, टोटल होती हैं 7। 7 को भी हम बांट देते हैं 3 पार्ट में, कुछ होती हैं जो रेक्टाई होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं जो रेक्टाई होती हैं, दूसरा कुछ होती हैं जो ओब्लीक होती हैं, ठीक है, और तीसरा एक अलग से बची हुई मसल। जो रेक्टाई होती हैं वो होती हैं 4, तो मतलब कि ये मेरी 3 उंगलियां हैं, ये होती हैं रेक्टाई, ठीक है, एक सेकंड, मान लो ये है, अरे यार टाइम पे पेन भी नहीं चलते, ये मान लो रेक्टाई मसल्स हैं, ये मान लो ओब्लीक मसल्स हैं, और ये वाली तीसरी वाली है, एस लिख देते हैं, ठीक है, वैसे तो ये LPS है, ठीक है, LPS लिख देते हैं पूरा ही, ROLPS, ठीक है, इस तरह याद करेंगे। रेक्टाई मसल होती है हमारे पास 4, तो 4 हैं, ठीक है, ओब्लीक मसल होती है हमारे पास 2, और जो लिवेटर पालपेब्री सुपीरियोरिस मसल है ये होती है 1 सिंगल, तो टोटल 7 होगी, 4 रेक्टाई मसल, 2 ओब्लीक मसल और 1 होती है अलग से मसल, तो टोटल हमारे पास 7 मसल्स होती हैं वॉलंटरी मसल्स के अंदर। नंबर 1 है हमारे पास सुपीरियर रेक्टस, ये 4 क्या हैं, ये हैं हमारे पास रेक्टाई, ठीक है, जो मैंने 4 रेक्टाई बोले ना R4, तो ये 4 रेक्टाई मसल हैं जिसमें हमारे पास आते हैं सुपीरियर रेक्टाई, जिसका सुपीरियर है भाई उसका इन्फीरियर भी होगा, इन्फीरियर रेक्टाई। एक होता है मीडियल रेक्टस, रेक्टाई या रेक्टस एक ही बात है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। मीडियल रेक्टस, हम किसी चीज़ का मीडियल है तो उसका लेटरल भी होना संभावित है, लेटरल रेक्टस। तो कौन कौन सी होगी रेक्टाई में हमारे पास, एक होती है सुपीरियर रेक्टस, एक होती है इन्फीरियर रेक्टस, एक होती है लेटरल रेक्टस और एक होती है मीडियल रेक्टस। अब भाई सब कुछ समझ आ जाएगा, ये मान लो आई है, आई बोल है, ठीक है, ये आई बोल है, ठीक है, समझ जाना। सुपीरियर ओब्लिक कहाँ होगी, ना सॉरी, सुपीरियर रेक्टस कहाँ होगी, ऊपर, इन्फीरियर रेक्टस कहाँ होगी, नीचे, और ये वाली साइड अगर मीडियल है तो यहाँ पे क्या होगी, मीडियल रेक्टस, और ये वाली साइड लेटरल है तो यहाँ पे क्या होगी, लेटरल रेक्टस। तो इतनी सिंपल सी बात थी, 4 रेक्टाई हमारे पास होती हैं, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस, तो 4 हमारे पास हो गई रेक्टाई। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 2 ओब्लीक, O2 बन रहा था, तो 2 ओब्लीक मसल्स होती हैं, एक होती है सुपीरियर ओब्लीक और एक होती है हमारे पास इन्फीरियर ओब्लीक, इनको हम क्या बोलते हैं, ओब्लीक्स, ये ओब्लीक मसल हैं, एक होती है सुपीरियर ओब्लीक और एक होती है हमारे पास इन्फीरियर ओब्लीक। अब वही बात है ना भाई, किसी चीज़ का सुपीरियर है तो उसका इन्फीरियर भी होगा, यहाँ पे लेटरल मीडियल नहीं होता ओब्लीक में, सिर्फ सुपीरियर ओब्लीक और इन्फीरियर ओब्लीक होता है। तो 6 मसल के नाम हो गए, और आखिरी वाला तो बहुत ही ईजी है भाई, अलग सा ही नाम है, LPS, LPS से याद रखना है, लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियोरिस, लिवेटर पल्पेब्री सुपीरियोरिस, LPS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये टोटल 7 मसल्स होती हैं जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, और LPS का काम क्या होता है,
एलपीएस एलिवेट करता है अपर आईलिड को, तो ये तो फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस क्या करती है, जो हमारी अपर आईलिड है उसको एलिवेट करती है, मतलब आईलिड को ओपन करने का काम करती है या फिर ऊपर उठाने का काम करती है, कौन, एलपीएस मसल, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। चार रेक्टाई थी, कौन कौन सी, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल एंड लेटरल रेक्टाई, दो ओब्लिक्स थी, सुपीरियर ओब्लिक एंड इन्फीरियर ओब्लिक, और एक हमारे पास एलपीएस मसल है। तो ये हो गई हमारे पास वॉलंटरी मसल्स। अब चलते हैं इनवॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरी तो और भी आसान है भाई, तीन ही है, तो टोटल कोई पूछे एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स कितनी है, तो टोटल कितनी है, 10 है, 7 वॉलंटरी हैं, 3 इनवॉलंटरी हैं। अब इनवॉलंटरी में कौन कौन सी है, अब ये सुपीरियर इन्फीरियर तो पीछा ही नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे भी सुपीरियर आ गया और उसका इन्फीरियर आ गया, ये तो और भी आसान चीज़ होगी, हर जगह सुपीरियर इन्फीरियर ही देखने को मिल रहा है। तो एक होती है हमारे पास सुपीरियर टार्सल मसल और एक होती है हमारे पास इन्फीरियर टार्सल मसल। जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना है, एक होती है सुपीरियर टार्सल मसल, एक होती है इन्फीरियर टार्सल मसल, और सुपीरियर टार्सल मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ इसके नाम याद करेंगे, बाद में बताऊंगा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है सुपीरियर टार्सल मसल आने वाली वीडियोस में। तो सुपीरियर टार्सल मसल को हम बोलते हैं म्यूलर्स मसल, तो याद रखना सुपीरियर टार्सल मसल का कॉमन नेम है म्यूलर्स मसल, और एक होती है इन्फीरियर टार्सल मसल और एक होती है हमारे पास ऑर्बिटैलिस। तो ये तीन हमारे पास हैं इनवॉलंटरी मसल्स। तो 7 वॉलंटरी मसल्स थी जिसमें 4 रेक्टाई थे, 2 ओब्लिक्स थे और एक एलपीएस लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस था। 3 इनवॉलंटरी हैं, सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर टार्सल एंड ऑर्बिटैलिस मसल। तो ये हमने बात कर ली एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स के नाम की। अब एक छोटा सा यहाँ पे इनका फंक्शन और देख लेते हैं, सुपीरियर टार्सल और इन्फीरियर टार्सल इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो जल्दी से उनका फंक्शन देख के ख़त्म करते हैं इनको। तो सुपीरियर टार्सल मसल है उसका काम होता है अपर आईलिड को एलिवेट करना, अरे ये तो हमने अभी पढ़ा था, तो अपर आईलिड को एलिवेट करने में एलपीएस भी हेल्प करती है और सुपीरियर टार्सल मसल भी हेल्प करती है, बस जो एलपीएस है वो वॉलंटरली करती है और जो सुपीरियर टार्सल मसल है वो इनवॉलंटरी एलिवेशन में हेल्प करती है अपर आईलिड का, मतलब पलक झपक जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, ये कौन करेगा, सुपीरियर टार्सल मसल, झपकना है नहीं मतलब खोल देगी ऊपर की तरफ उठा रही है क्योंकि, और एलपीएस क्या करेगी, हम जब चाहेंगे तब आईलिड को ओपन करेगी या फिर एलिवेट करेगी अपर आईलिड को, ठीक है। इन्फीरियर टार्सल मसल की बात करें तो वो डिप्रेस करता है लोअर आईलिड को, मतलब लोअर आईलिड को नीचे लेके जाता है। अब ये बात ध्यान देना, यहाँ पे मैंने अपर लिखा है और ये लोअर है, ठीक है, तो सुपीरियर टार्सल अपर आईलिड को एलिवेट करती है, इन्फीरियर टार्सल अपर आईलिड को डिप्रेस नहीं करती, लोअर आईलिड को डिप्रेस करती है इन्फीरियर टार्सल मसल। तो ये हमने बात कर ली एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स के नाम की और उनके कुछ मसल्स के फंक्शंस की। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है ओरिजिन ऑफ द मसल्स। तो अब हम बात करते हैं कॉमन एन्युलर टेंडन या फिर टेंडिनस रिंग ऑफ जिन, ठीक है, इसको कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन भी बोलते हैं, कॉमन एन्युलर टेंडन भी बोलते हैं। तो ये होती क्या चीज़ है उसकी हम बात करें, तो ये एक कॉमन टेंडिनस रिंग है जो अटैच्ड होती है मिडल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को। तो जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका डायग्राम, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, उसका सुपीरियर पार्ट होता है, एक उसका मिडल पार्ट और एक इन्फीरियर पार्ट। जो मिडल पार्ट है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का वो आता है कॉमन टेंडिनस रिंग के बीच में, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन टेंडिनस रिंग अटैच्ड टू द मिडल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, उसे हम बोलते हैं कॉमन एन्युलर टेंडन। भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ से आ गया, बीच में मसल्स की बात चल रही थी तो ये कॉमन एन्युलर टेंडन क्यों बीच में घुसा दिया, ये इसलिए मैंने बीच में घुसाया है क्योंकि ये जो चार रेक्टाई मसल हैं जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी, सुपीरियर रेक्टाई, इन्फीरियर रेक्टाई, मीडियल रेक्टाई एंड लेटरल रेक्टाई, ये चारों जो रेक्टाई मसल्स हैं ये इसी कॉमन एन्युलर टेंडन या फिर टेंडिनस रिंग ऑफ जिन से ही ओरिजिन लेती हैं। तो चार मसल्स का ओरिजिन तो इतना सिंपल सा है, चारों रेक्टस मसल जो हैं वो ओरिजिन लेती हैं इसी कॉमन टेंडिनस रिंग से, तो इसीलिए इसको हमें पढ़ना है। तो अब हम एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है, ये वाला डायग्राम देखते हैं, फिर दूसरा एक और डायग्राम दिखाऊंगा। इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखना, ये क्या देख रहे हैं हम, ये हम देख रहे हैं हमारे ऑर्बिट को ऊपर से, मतलब कि ये तो जैसे बंदे को हम साइड से अगर देखें तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ठीक है, ये होठ हो गए मान लो, ये उसकी आँख होगी, ठीक है, साइड से देखें तो ऐसा देखने को मिलता है ना। अब मैंने ना इस तरह से काटा, ठीक है, यहाँ से ऐसे काट दिया ऑर्बिट वाली जगह से और ऊपर से उसको देख रहा हूँ तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो एक ऑर्बिट तो इधर है, ये इस तरह समझो, मान लो इस तरह से मैं बनाऊँ इसको पूरा कर दूँ, तो ये एक आँख है, ये मान लो लेफ्ट आई है और ये है राइट आई, ठीक है, ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, इस तरह से समझना। तो ये किसी बंदे की राइट आई है, ये उसकी लेफ्ट आई है, मैंने कट किया उसको और ऊपर से देख रहा हूँ,
ऊपर से अगर उसको देख रहा हूँ तो ये हमें ऑर्बिट देखने को मिल रहे हैं। सामने से मतलब इधर से देखूंगा तो ऑर्बिट गोल गोल दिखेंगे, लेकिन ऊपर से उनकी असली शेप दिखाई देती है। ऑर्बिट की ये एपेक्स होती है, इधर इधर एपेक्स होती है ऑर्बिट की, और ऊपर की तरफ इधर होता है बेस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट की एपेक्स होती है और एक उसका बेस होता है। ये हमारी आईबॉल है, ठीक है, ये हमारी आईबॉल है आगे की तरफ, और ये जो पीछे जा रही है ये क्या है, ऑप्टिक नर्व। समझ में आ गया इतना, ये ऑप्टिक नर्व है। तो होता क्या है, जो ये क्या होगी, अब ये वाली क्या होगी, ये वाली मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट हो गई। ये लेफ्ट ऑर्बिट की मीडियल वॉल है और ये राइट ऑर्बिट की मीडियल वॉल है, और इस तरफ वाली वॉल कौन सी वॉल हो जाएगी, लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। ये दोनों क्या है, लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, ये मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट। तो दोनों मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट के बीच में कितना एंगल बना, 0 डिग्री का, और दोनों लेटरल वॉल के बीच में कितना एंगल बनता है, वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये एंगल भी 45 होता है और ये एंगल भी 45 होता है, तो दोनों लेटरल वॉल के बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्था में पढ़ोगे तब समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस। तो मैं बताना क्या चाह रहा था कि जो हमारी कॉमन टेंडनस रिंग जो है, जो हम अभी पढ़ रहे थे, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये प्रेजेंट होती है यहाँ पे एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट के पास। ये जो मैंने पर्पल कलर में बना रखी है, यही है हमारे पास कॉमन टेंडनस रिंग, गोल है इसीलिए रिंग बोला गया है। इस कॉमन टेंडनस रिंग से ही ओरिजिन होता है हमारी रेक्टाई मसल्स का। अब ध्यान देना, यहाँ मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ, ये जो मसल बना है ये कौन सी मसल हो जाएगी, सुपीरियर रेक्टस, क्योंकि चारों रेक्टाई मसल का ओरिजिन इसी से होता है। तो ये ऊपर से जा रही है तो ये कौन सी हो जाएगी, सुपीरियर रेक्टस, और एक अगर मैं यहाँ नीचे से लेके जाऊँ डॉटेड बना रहा हूँ, ये कौन सी हो जाएगी, इन्फीरियर रेक्टस। ठीक है, ऊपर से सुपीरियर रेक्टस जाएगी, नीचे से इन्फीरियर रेक्टस जाएगी। ठीक है, और इधर मैं थोड़ा लेटरल से बनाऊँ, ये लेफ्ट साइड है तो ये लेटरल होगी, ये लेटरल से जो मसल जाएगी ये कौन सी हो जाएगी, लेटरल रेक्टाई। और इसी तरह यहाँ मीडियल से जो मसल जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मीडियल रेक्टाई। इसी तरह से इस आईबॉल की भी मसल इसी तरह से जाती है। तो चारों रेक्टाई मसल का ओरिजिन होता है इसी कॉमन टेंडनस रिंग से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बहुत ही अच्छा सा डायग्राम। अब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है हमारे ऑर्बिट का डायग्राम। ठीक है, ये हमारा ऑर्बिट है। अब कैसे पता चले कौन से साइड का ऑर्बिट है, तो ये अगर मैं बताऊँ, ये जो है इधर, ये इस तरह से नाक जा रही है, ठीक है, ये नोज़ है, ठीक है, और ये ऑर्बिट है, तो इधर समझ जाओ इधर भी एक ऑर्बिट होगा। तो ये कौन सी साइड होगी, ये वाली होगी हमारे पास लेफ्ट साइड, और ये वाली होगी हमारे पास राइट साइड। तो ये तो हमने बात कर ली साइड्स की, तो कौन सी साइड का ऑर्बिट है, ये लेफ्ट साइड का ऑर्बिट है। तो इतना समझ में आ गया। अब जो ऑर्बिट जो है हमारा, ये बनता है टोटल 7 बोन्स के आर्टिकुलेशन से, टोटल 7 बोन्स के आर्टिकुलेशन से मिलके बनता है हमारा ऑर्बिट। तो कौन कौन सी 7 बोन्स आती हैं उसकी हम बात करते हैं इस डायग्राम से। तो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग हो रखी है, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से चलें तो सबसे पहले इस तरफ वाले डायग्राम पे ध्यान देना, ठीक है, इस तरफ वाले पे। तो इधर जो नंबर 1 है, मैं एरो को और थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो है ये है हमारे पास लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड। तो नंबर 1 कौन सी हो जाएगी हमारे पास, लेसर विंग ऑफ स्फीनॉइड। ठीक है, नंबर 2 ये है हमारे पास, नंबर 2 है हमारे पास इथमोइड, इधर ही लिख देता हूँ मैं छोटे छोटे अक्षरों में, ये है हमारे पास इथमोइड। नंबर 2 कौन सी बोन है, ये वाली, देखो ये वाली जो इसकी, ये देखो ये वाली बाउंड्री बन रही है, ये है हमारे पास इथमोइड बोन। ठीक है, नंबर 3 की बात करें, ये वाली, ये है हमारे पास लैक्राइमल बोन। नंबर 3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है हमारे पास लैक्राइमल बोन। ठीक है, नंबर 4 की बात करें, इधर चलते हैं नंबर 4 पे, नंबर 4 है हमारे पास, देखो ये वाला, ये क्या है, ये वाला हिस्सा देखो, ये क्या है हमारे पास, आईब्रो वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, ये फ्रंटल बोन का पार्ट है। जो नंबर 4 है वो क्या है, फ्रंटल बोन। और अगर अच्छे से बताऊं तो फ्रंटल बोन का कौन सा पार्ट है, ऑर्बिटल पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। नंबर 4 क्या है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। नंबर 5 ये वाली, नंबर 5 है हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड। तो यहां पे ही मैं कहीं लिख देता हूं, ये नंबर 5, नंबर 5 क्या है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड। ठीक है, नंबर 6 ये वाली, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 6 ये वाली, नंबर 6 में हमारे पास क्या है, जाइगोमेटिक बोन। और नंबर 7 ये वाली, ये है हमारे पास मैक्सिला बोन। ठीक है, तो नंबर 7 मैक्सिला है, नंबर 6 क्या है, ये वाली जाइगोमेटिक है, नंबर 5 ये वाली क्या है हमारे पास, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड, नंबर 4 फ्रंटल बोन,
ठीक है। नंबर थ्री पे हमारे पास लैक्राइमल थी यहाँ पे, नंबर टू यहाँ पे इथमोइड था, और नंबर वन यहाँ पे लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड था। तो क्यों बता रहा हूँ बोन्स के नाम, क्योंकि जब हम ओरिजिन पढ़ेंगे तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो टेंडनस रिंग हम पढ़ रहे थे उसका मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मैं एक बार इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ पूरे को। हाँ, तो अब हम चलते हैं टेंडनस रिंग पे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला होल, ये देखो, ये जो ब्लैक कलर में होल दिखाई दे रहा है यही है हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सॉरी मैंने इसको गलत बना दिया, ये वाला, ये देखो, ये पूरा क्या है हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और उसके ऊपर ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ये हमारे पास ऑप्टिक कैनाल, और ऑप्टिक कैनाल से क्या जाती है हमारे पास ऑप्टिक नर्व वगैरह इस ऑप्टिक कैनाल से पास करती है, और ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये दोनों फिशर की हमने बात कर ली जो जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्बिट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि वो टेंडनस रिंग जो थी वो कहाँ प्रेजेंट होती है। वो टेंडनस रिंग प्रेजेंट होती है कुछ यहाँ पे इस तरह से गोल रिंग प्रेजेंट होती है टेंडनस रिंग। उस टेंडनस रिंग के अंदर ही हमारा ये ऑर्बिटल जो ट्रैक्ट आ रहा था ये भी बीच में आ जाता है, सॉरी ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रहा था ये भी उसके बीच में आ जाता है, और जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, एक सेकेंड, जो हमारा ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था इसका भी मिडल वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का, मिडल वाला पार्ट, जो मिडल पार्ट है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का वो भी आ जाता है इस कॉमन टेंडनस रिंग के अंदर, और इसी कॉमन टेंडनस रिंग से ओरिजिन होता है अलग अलग मसल्स का, जिसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अब मैं आपको एक और डायग्राम इसका दिखा देता हूँ जल्दी से। देखो ये वाला डायग्राम देखना, इस डायग्राम में जो ये वाला है ये जो पूरा बना रखा है ये है हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये जो सर्कल बना रखा है ये है हमारे पास ऑप्टिक कैनाल या फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट, जो भी आप बोलना चाहो। तो ये हमारे पास ऑप्टिक कैनाल है जिससे ऑप्टिक नर्व पास करती है, देखो ये रही ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली पूरी बाउंड्री, ये देखो रिंग, ये पूरी रिंग जो प्रेजेंट है, ये वाली जो पूरी रिंग आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये रिंग है हमारे पास कॉमन टेंडनस रिंग या फिर रिंग ऑफ जिन जिसको हम बोलते हैं एनुलर रिंग ऑफ जिन। तो देखो जो मिडल पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये पार्ट था हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का बीच वाला पार्ट, और ये हमारे पास ऑप्टिक कैनाल थी। तो ऑप्टिक कैनाल और मिडल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ये प्रेजेंट होता है इसी कॉमन टेंडनस रिंग के बीच में, और इसी कॉमन टेंडनस रिंग से ओरिजिन होता है हमारे पास मसल्स का। तो अगर आपको दिखाई दे भी रहा होगा यहाँ पे जो ये वाली ये क्या है, ये देखो सुपीरियर रेक्टस मसल ये वाली हो गई, ठीक है। इसी तरह से ये वाली लेटरल रेक्टस मसल हो गई, ये वाली इन्फीरियर रेक्टस मसल हो गई, ये वाली मीडियल रेक्टस हो गई। तो इस तरह से अलग अलग रेक्टाई मसल ओरिजिन लेती हैं इसी कॉमन टेंडनस रिंग से। तो ये हमने बात कर ली इसके डायग्राम्स की, अब चलते हैं वापस से थ्योरी पे। तो अब हम बात करेंगे वॉलंट्री मसल्स के ओरिजिन का। तो वॉलंट्री मसल्स में चार रेक्टाई हैं जिसका ओरिजिन मैं आपको बता चुका हूँ होता है एनुलस ऑफ जिन या फिर एनुलर रिंग ऑफ जिन, जो भी अभी ने अभी पढ़ा था कॉमन टेंडुलर रिंग या फिर कॉमन एनुलर टेंडन, जो भी आप बोलना चाहो उसी रिंग से ओरिजिन होता है चारों रेक्टाई मसल्स का। बस एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है, वो है लेटरल रेक्टस की। लेटरल रेक्टस जो है उसके पास दो टेंडन होते हैं, एक टेंडन का ओरिजिन तो एनुलस ऑफ जिन से होता है, और उसके पास एक और छोटा सा टेंडन होता है जिसका ओरिजिन होता है कहाँ से, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड से लेटरल टू द टेंडनस रिंग। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, लेटरल रेक्टस मसल के दो टेंडन होते हैं, एक टेंडन का ओरिजिन होता है एनुलस ऑफ जिन से, और दूसरा टेंडन का जो ओरिजिन है वो होता है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में दिखाया था ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है ऑर्बिट के अंदर। अब चलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक मसल पे। सुपीरियर ऑब्लिक मसल अराइज करती है अंडर सरफेस ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड से, कहाँ से, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड से ओरिजिन करती है, सुपेरोमीडियल टू द ऑप्टिक कैनाल। अब इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो इस वाले डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ओरिजिन होता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल का। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कॉमन टेंडनस रिंग, ठीक है, ये कॉमन टेंडनस रिंग है, इतना आपको समझ आ जाएगा। अब मैं बताऊँ आपको सुपीरियर ऑब्लिक मसल का ओरिजिन, तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल ओरिजिन लेते हैं कुछ यहाँ से ओरिजिन होता है, क्योंकि ये जो एरो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली एरो, ये एरो क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। तो ये है लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड, तो लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड का जो अंडर सरफेस है उसी से तो ओरिजिन हो रहा है हमारे सुपीरियर ऑब्लिक का। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल का कुछ ओरिजिन यहाँ से होता है, फिर वो इस तरह से आगे की तरफ जाती है आईबॉल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिन होता है सुपेरोमीडियली टू द ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो ये क्या था, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट था। तो ऑप्टिक ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन कहाँ है, ये वाली साइड क्या है, मीडियल साइड है, और ये वाली साइड है लेटरल साइड।
तो ऊपर की तरफ है और मीडियल की तरफ है, तो सुपेरो मीडियल टू द ऑप्टिक ट्रैक्ट ओरिजिन होता है हमारे पास सुपीरियर ओब्लिक मसल का। अब बात करते हैं इन्फीरियर ओब्लिक मसल के ओरिजिन के बारे में। इन्फीरियर ओब्लिक जो मसल है उसका ओरिजिन होता है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला। अरे भाई ये तो अलग अलग राह पे चल दिए। सुपीरियर ओब्लिक मसल का ओरिजिन हो रहा था कहाँ से, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड बोन से, और इन्फीरियर ओब्लिक मसल का ओरिजिन हो रहा है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला बोन से। ठीक है, तो मैक्सिला बोन से ओरिजिन होता है इन्फीरियर ओब्लिक मसल का, लेटरल टू द लैक्राइमल ग्रूव। लैक्राइमल ग्रूव के लेटरली होता है इसका ओरिजिन, और जो मसल है वो सिचुएटेड होती है एंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट पे। ऑर्बिट का जो एंटीरियर मार्जिन है वहाँ पे सिचुएटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अराइज होती है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला से। अब चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो अब इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं कि मैक्सिला बोन कहाँ प्रेजेंट थी। ये जो है, ये वाली एरो जो आपको दिखाई दे रही है, एक सेकंड, ये वाली एरो जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली एरो, ये है हमारे पास मैक्सिला बोन, ये है हमारे पास ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द मैक्सिला बोन। ठीक है, इतना सा पार्ट। तो इसी मैक्सिला का जो ये ऑर्बिटल सरफेस है, यहीं से ओरिजिन लेती है हमारी कौन सी मसल, इन्फीरियर ओब्लिक मसल। मतलब कि इन्फीरियर ओब्लिक मसल का ओरिजिन होता है यहीं इसी वाली बोन से, और इन्फीरियर ओब्लिक मसल भी इस तरह से आगे जाती है। तो सुपीरियर ओब्लिक का कहाँ से हो रहा था ओरिजिन, सुपीरियर ओब्लिक का ओरिजिन हो रहा था यहाँ से, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड से, वो इस तरह से आगे जा रही थी, और इन्फीरियर ओब्लिक का होता है मैक्सिला के ऑर्बिटल सरफेस से। तो इस तरह से इस वाले डायग्राम में आपको समझ आ गया होगा इन्फीरियर ओब्लिक का ओरिजिन। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट मसल का ओरिजिन के बारे में, जो है LPS, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस। इसका ओरिजिन होता है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। वही लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड जिससे ओरिजिन हो रहा था सुपीरियर ओब्लिक का, वहीं से ओरिजिन होता है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस का भी, और इसका ओरिजिन होता है एंटेरो सुपीरियर टू द ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल के थोड़ा आगे की तरफ से इसका ओरिजिन होता है, और सुपीरियर रेक्टस के ओरिजिन से भी थोड़ा आगे की तरफ इसका ओरिजिन होता है। मतलब जहाँ पे सुपीरियर रेक्टस का ओरिजिन था लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड के, उसका थोड़ा सा आगे ओरिजिन होता है लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस का। तो हमने टोटल 7 मसल्स का ओरिजिन यहाँ पे देख लिया है डायग्राम के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनके इंसर्शन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।